प्रपोजल्स एंड तो इसमें दो हमारी चीजों के बारे में बात होगा हमारा ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेज तो हमारा प्रपोजल की रेवोक कौन करेगा हमारा रेवोकेशन करेगा प्रपोजल की प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की कौन रेवोकेशन करेगा एक्सेप्टर ठीक है पार्टी ए और पार्टी बी जो हमने डिस्कस किया था अभी इससे पिछली वाली वीडियो में सेक्शन फोर वाले की अगर हमने वो नहीं पढ़ी तो वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हमारा एक क्लॉज जो जिसमें हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे सेक्शन फाइव में वो सेक्शन फोर में इंपॉर्टेंटली डिस्कस हो रखा है अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी थोड़ा सेक्शन फाइव में ट्रैक हो सकते हैं एनी लेट्स मूव फॉरवर्ड अ प्रपोजल ठीक है प्रपोजल के बारे में बात करेंगे प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम एक प्रपोजल कभी भी रिवोक हो सकता है एनी टाइम बिफोर पहले ठीक है बिफोर द ऑफ एक्सेप्टेंस कि अब हमारा पार्टी बी हमारा एक्सेप्टर है ठीक है पार्टी ए प्रपोजल देगा पार्टी बी को तो पार्टी ए प्रपोजल जो है वो प्रपोजल को कभी भी रिवोक कर सकता है पार्टी बी के एक्सेप्ट करने से पहले ठीक है कॉम्युनिकेशन ऑफ इट्सेंस इज कम्प्लीट अगेंस्ट दी प्रपोजल कम्प्लीट अगेंस्ट दपोजल के अगेंस्ट कम्प्लीट हो जाए तो किसके थ्रू होगी पार्टी बी के एक्सेप्टर के थ्रू ठीक है बट नॉट आफ्टरवर्ड अगर वह एक्सेप्ट हो जाते तो उसके बाद रिवोक्ट नहीं कर सकते आप ठीक है एन एक्सेप्टेंस ठीक है अब एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे अब एक्सेप्टेंस कौन देगा पार्टी बी एक्सेप्टर एन एक्सेप्टेंस मेंनी टाइम ठीक है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस अब हमने ये क्लॉज सेक्शन फोर में पढ़ा था हमारी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब होती है किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से तब होती है जब वो पार्टी ए मतलब प्रपोजर के एक, प्रपोजर को रिसीव हो जाती है ठीक है तब वो पार्टी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है एक्सेप्टेंस की तो उससे यही बोला एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड इसके बाद सेक्शन फोर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इसी सीरीज के अंदर एन एक्सेप्टेंस में एक एक्सेप्टेंस कभी भी रिवोक हो सकती है किसी भी वक्त ठीक है बिफोर पहले किसके पहले कॉम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस हमारे एक्सेप्टेंस की कॉम्युनिकेशन मतलब कि हमारे प्रपोजर के रिसीव करने से पहले उस एक्सेप्टेंस को उससे पहले पहले कभी भी रिवोक करी जा सकती है एक्सेप्टेंस को इस कंप्लीस अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टर और उसके बाद नहीं ठीक है अब हमारा सेक्शन सिक्स वो क्या कहता है कि ये बोलता है कि हमारे प्रपोजल किस-किस पॉइंट के थ्रू रिवोक हो सकता है तो हमारा पहला होता है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी एक तो प्रपोजर एक था एक्सेप्टर ठीक है तो इसने बोला कि अगर हमारा या फिर प्रपोजल के रिवोकेशन के बारे में बात कर रहा है ना तो प्रपोजर जो है हमारा वो नोटिस दे सकता है रिवोकेशन का किसको देगा वो दूसरी पार्टी को पार्टी बी को जिसको प्रपोजल कर दे रहा है वो कि मैं रिवोक करना चाह रहा हूं अपने प्रपोजल को ठीक है सेकेंड है बाई द लैप ऑफ द टाइम अगर उसने अपने प्रपोजल में ये लिखा है कि अगर आपने तीन महीने के अंदर आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो मैं इसको मान मान लूंगा कि आपने एक्सेप्ट नहीं कराया उसे ठीक है तो वो टाइम पीरियड जो मेंशन था उसके प्रपोजल में प्रिस्क्राइड इन सच अ प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस अगर उसका लैप्स हो जाए बंद खत्म हो जाए वो टाइम तब उसको बाय डिफॉल्ट रिवोक मान लिया रिवोकेशन मान लिया जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रपोजल मगर अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया गया टाइम का उसके प्रपोजल के अंदर तो हमारा जो लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम जो एक रीजनेबल टाइम का पीरियड होता है वो उसका जब लैप्स होगा तब हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि वो रिवोक हो गया है हमारा प्रपोजल ठीक है और ये कहता है बाईस

फोर्थ क्लॉज कहता है बाय द डेथ और इंसैनिटी डेथ द प्रपोजल की प्रपोजर प्रपोजल या तो इंसैन हो जाए या तो डेथ हो जाए उसकी और अगर ये जो डेथ और ये जो इंसैनिटी है ये एक्सेप्टर के नॉलेज में आ जाए मगर एक्सेप्टर के नॉलेज में कब आनी चाहिए बिफोर द एक्सेप्टेंस अगर उसने एक्सेप्टेंस के बाद हुआ तो हमारा पूरा क्लॉज चेंज हो जाएगा ये आपकी इंसैनिटी इंसानिटी डेथ एक्सेप्टर के एक्सेप्टेंस करने से पहले आनी चाहिए किसकी डेथ और इंसानिटी हमारी प्रपोजल की और इन चार वे से हमारा और कोई भी प्रपोजल रिवोक हो सकता है अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स को भी जरूर फॉरवर्ड करना बाय बाय बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स